तो ये बच्चों, अब हम लोग आज की बैठक को आरंभ करते हैं। और ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि आप सब लोग ये जान पाए कि जो 10 तारीख को इंटेक की जो क्विज होने जा रही है, उस क्विज में फॉर्मेट कैसा रहेगा और किस तरह से आप अपने आंसर शीट को सबमिट करेंगे। तो ये चीजें हम आपको आज बताएंगे। मैं जो टीचर्स स्कूलों के इसमें जुड़े हैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वे भी इन बातों को अच्छे समझ लें, ताकि अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को यदि कोई समस्या आ रही हो तो उसमें आपके स्तर से उनका समाधान हो जाए। पहले ये बता दूं कि 10 तारीख को संडे है, शाम को 4 बजे हम लोग रिटर्न जो क्विज का आयोजन होना है वो होगा सिटी राउंड का, और उसमें दो ग्रुप होंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे। ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है। ए ग्रुप में कुछ स्कूल है, बी ग्रुप में कुछ स्कूल है। और ये जो स्कूल है जितने भी हैं वो अलग अलग ग्रुपों में बांट दिए गए हैं, सारे बच्चे उस स्कूल के उस ग्रुप में हैं। 4 बजे हम लोग ग्रुप ए की रिटर्न टेस्ट लेंगे और 4:30 बजे ग्रुप बी की रिटर्न टेस्ट लेंगे। ये प्रोग्राम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। दोनों की लिंक अलग अलग होंगी, दोनों के क्वेश्चन पेपर सबके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो ए ग्रुप वाले हैं उनका 4 बजे से होगा और 15 मिनट पहले उनको इंटर करना है मीटिंग रूम में, और जो 4:30 वाले हैं वो 4:45 बजे से इंटर करेंगे। और इसका लिखित प्रोग्राम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और चला जाएगा। बच्चों, ये जो क्विज है इसका उद्देश्य यह है कि जो हेरिटेज है, हमारी हमारी जो विरासत है हमारे देश की, वो तो बहुत ही सम्मानीय है। विश्व में उसका एक स्थान है, हम उस पे गौरव करते हैं। गरिमा में हमारी विरासत है और इस विरासत के कई रूप हैं। एक विरासत जिसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक विरासत, जिसमें हमारी जो हमारे संगीत हैं, हमारे डांसेस हैं और हमारी जो इस प्रकार की लोक कलाएं हैं, शिल्प है, वो सांस्कृतिक में आता है, सांस्कृतिक विरासत में आता है। इसी तरह से हमारा आर्ट का भी है। आर्ट में जैसे जो हमारे फोक आर्ट है या ग्रामीण जनजीवन में जो पुरानी कला की परंपराएं हैं, हमारे वाचन की, लेखन की ऐसी भी परंपराएं हैं, उन सबको हम इसमें शामिल करते हैं। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है हमारे जो देश में विभिन्न मंदिर हैं, किले हैं, जो स्टोन या इस प्रकार की आकृतियों से दिखते हैं, बने हैं, मूर्त रूप में हमें दिखते हैं, ऐसी धरोहरें जिनको हम आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं, पुरातात्विक हमारे ये तीर्थ हैं, ऐसे स्थल हैं, उन स्थल के बारे में भी हमको जानना होता जानना है, इसलिए कि उसका आयोजन है। इसके साथ साथ जो हमारा नेचुरल हेरिटेज है, हमारा हमारी धरती जो है, हमारी धरती पर नदियां हैं हमारे देश की, हजारों वर्षों से बह रही हैं, हमारे देश में पहाड़ हैं और इन नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई हैं, ये सारा भी हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है। तो ये भी जो विरासत हमको प्राकृतिक रूप से मिलती है, हमारे जंगल, हमारे जो जितने भी प्राकृतिक स्वरूप है, झरने वगैरह, इस प्रकार की सारी चीजें उसमें आती हैं। और जो मैंने आपको विभिन्न प्रकार बताए, तो क्विज जो होगी उस क्विज में इन सब तरह के क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे। यहां मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे रिटर्न में, और वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उसका हम अभी डेमो करेंगे आपके सामने। एक प्रश्न के 4 उत्तर, 4 विकल्प होंगे, ए बी सी डी ई। तो जो आपको सही लगता है उसपे उसको आपको उत्तर शीट में, आंसर शीट में आपको लिखना है, और 60 सेकंड तक वो प्रश्न आपके सामने रुकेगा, 30 सेकंड तक प्रश्न आपके सामने रुकेगा, और फिर अगला प्रश्न 30 सेकंड के लिए रुकेगा। 30-30 सेकंड कंप्यूटर से ऑपरेट होते हुए वो 30-30 सेकंड में आगे खिसक जाएगा। इसलिए
हमें बहुत सावधानी से प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए आसपास अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित ना करें और उसके उत्तर को खोजें। जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर आपको लगता है वो उत्तर आपको देना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको जो आंसर मालूम है वो तो आप टिक करिए ही, लेकिन कुछ प्रश्नों में यदि आपको शंका होती है तो जो सर्वश्रेष्ठ आंसर आपको लगता है उसको आप टिक कर सकते हैं, सही हो गया तो नंबर मिल जाएगा, सही नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। उस जो प्रश्न पत्र के का फॉर्मेट है हम आपको अभी दिखाएंगे, अभी स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ एक दो बातें और कर रहे हैं। वो बात यह है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ इसको करेंगे, कोई आपके आसपास नहीं होगा। जब आप रिटर्न टेस्ट देंगे तो आपका वीडियो ऑन रहना चाहिए और आपका माइक म्यूट होना चाहिए। जो लोग अपना वीडियो ऑफ कर देंगे, जो लोग अपना वीडियो ऑफ कर देंगे वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, वो अपने आप जीरो हो जाएंगे। इसलिए गलती मत करिएगा अपने वीडियो ऑफ करने का, बेवजह अपने कंप्यूटर अपने जो डिवाइस है उस डिवाइस से छेड़छाड़ नहीं करिए। एक बार अच्छे सेट कर लीजिए, माइक को म्यूट कर दीजिए और वीडियो को हमेशा ऑन रखना है। और आपका वीडियो हमको देखना है कि आप ईमानदारी के साथ अपनी इस रिटर्न जो टैग क्यूज है उसको दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो भी वीडियो ऑफ करके कोशिश करेंगे दूसरे मोबाइल से गूगल से आंसर ढूंढने का, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि किसी ने यदि अपना वीडियो बंद किया इसका मतलब वो बेईमानी करना चाहता है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ईमानदारी से हम दें, इसके पीछे जीतना एक लक्ष्य होगा, लेकिन यदि हम नहीं भी जीतते हैं तो हमको कम से कम ज्ञान होगा, हमारा एक अभ्यास होगा, हम अगली क्विज के लिए अपने आप को बेहतर तैयार कर सकेंगे, हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए यह हमको समझ में आएगा, हमारा हेरिटेज के विषय में, हमारा विरासत के विषय में हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो ऐसे कई फायदे आपके होंगे, इसलिए इसको आप मन से दीजिए, जितना बनता है उतना बनाइए और जो उत्तर आपसे मिलते हैं वो दीजिए, और जो नहीं है उनमें आपको लगता है कि ये उत्तर सही हो सकते हैं उसको भी आप टिक कर सकते हैं, उनमें जो सही हो जाएंगे नंबर मिलेगा, जो सही नहीं होंगे नंबर नहीं मिलेगा। अब इसमें एक ये बात है कि जब आपको एक आंसर शीट मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है ग्रुप में, वो आंसर शीट आपको या तो डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लें आप, सबसे अच्छा होगा, और उसमें अपना नाम, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, साइन आदि करके क्लास लिख के उसको तैयार रखें, केवल आंसर भरने का काम आपको करना है। यदि आप डाउनलोड करके प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाथ से ही बना सकते हैं, पेंसिल से लाइन खींच के उस प्रकार का बॉक्स बना लें और जो जानकारियां मांगी गई हैं वो जानकारियां उसमें होना जरूरी है, कोई भी जानकारी छूटेगी दिक्कत होगी। सभी बच्चों से आग्रह है कि वो अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखें अंग्रेजी में, क्योंकि प्रमाण पत्र जो है अंग्रेजी में बनेंगे और जो आपकी स्पेलिंग होगी आप जो लिखेंगे इस आंसर शीट पे उसी स्पेलिंग के आधार पे आपका आपका प्रमाण पत्र बनेगा। प्रमाण पत्र सबको मिलेंगे जितने भी 10 तारीख की परीक्षा में शामिल होंगे, रिटर्न टेस्ट में शामिल होंगे, रिटर्न क्विज में शामिल होंगे, प्रत्येक विद्यार्थी को इंटेक की ओर से प्रमाण पत्र मिलेगा और उसमें नाम वही छपेगा जो नाम आप अपने आंसर शीट पे लिखेंगे। तो जब आपका 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 11वें मिनट में आपको एक 11वें मिनट के अंदर ही आपको वो आंसर शीट आपको स्कैन करके उसका पीडीएफ बना के आपको एक फोन नंबर उसमें दिया हुआ है, वो फोन नंबर आपको दिखेगा अभी, उस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। इसमें डिले नहीं करना है, जो डिले करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा विद इन 1 मिनट, क्योंकि 30-30 सेकंड में आप उत्तर लिख चुके होंगे, 1 मिनट आपके पास स्कैन करके भेजने के लिए है जो पर्याप्त समय है। कोई भी स्कैन करके आप 20-25 सेकंड में भेज सकते हैं, तब भी आपके पास 20-30 सेकंड और आपके पास में होंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि स्कैनर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो ताकि आपको स्कैन करने में दिक्कत ना हो। फोटो खींच के नहीं भेजेंगे, फोटो खींच के भेजते हैं तो पढ़ते नहीं बनता है, स्कैन करके साफ पीडीएफ भेजेंगे ताकि उसको हम लोग अच्छे से उसका वैल्यूएशन कर सकें। और उस राउंड के बाद जो भी विजेता टीम बनेगी, और ये ध्यान रखें कि हर हर स्कूल में टीम बना दी गई है दो दो बच्चों की, तो दो बच्चों की जो टीम बनी है उनके स्कोर को देख के टीम को विजेता घोषित किया जाएगा, और जो 4 विजेता टीम होंगी जिसमें 8 विद्यार्थी होंगे वो
फाइनल राउंड के लिए, ओवरऑल राउंड के लिए चुने जाएंगे। तो आपके लिए कड़ी स्पर्धा है, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। तैयारी करने के लिए आपको कुछ मिनट्स में दे देता हूँ। एक तो जो सीबीएसई की क्विज पिछले दो साल में हुई है, पिछले साल हुई है क्विज आपकी, उसको आपको गूगल में देखेंगे तो मिल जाएगी। उससे आप थोड़ा सा देखिए किस प्रकार के प्रश्न है। हालांकि उतनी कठिन प्रश्न आपको 36 स्तर पे नहीं मिलेंगे, हम बहुत से प्रश्न सरल भी होंगे आपके लिए, लेकिन और प्रश्नों का प्रारूप ऐसा होगा कि जो 20 प्रश्न में से 10 प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय स्तर के होंगे। हम पूरे देश में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, वो किसी भी विरासत से पूछे जा सकते हैं। वो प्राकृतिक विरासत हो सकती है, वो सांस्कृतिक विरासत हो सकती है ना, किसी भी तरह का हो, वो हमारे आर्कियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उससे संबंधित हो सकते हैं। तो वो प्रश्न 10 नंबर के आपके पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होंगे। नेशनल जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उससे प्रश्न ड्राइव करे जाएंगे हेरिटेज को लेकर। और 7 प्रश्न जो है वो छत्तीसगढ़ का जो हेरिटेज है उसको, उस पर केंद्रित रहेंगे 7 क्वेश्चन। इसलिए छत्तीसगढ़ के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कीजिए, कहाँ नदी है, किस जिले में है, किस प्रकार की है नदी, कहाँ से कहाँ जाती है, उद्गम स्थल क्या है, कौन से शहरों से, बड़े शहर से गुजरती है, कहाँ पर उनके डैम हैं, ये सारी बातों की भी जानकारी आपने, हमारा जंगली क्षेत्र क्या है, कितना है पहाड़ी, हमारा पहाड़ कहाँ पर किस तरफ ज़्यादा है, ये प्राकृतिक जो हमारा स्वरूप है उसके साथ साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ के फोक हैं उनके बारे में आपको देखना समझना चाहिए। हमारे फ्रीडम फाइट से हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे प्रदेश के बड़े नामी लोग हैं, उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। इन सारी चीज़ों की जानकारी छत्तीसगढ़ से संबंधित जो होंगे ये 7 प्रश्न होंगे। तो कोशिश करें कि 7 में से 7 आपको आप उत्तर दे सकें। और 3 प्रश्न आपके इंटेक से संबंधित होंगे। इंटेक जो संस्था है उसकी वेबसाइट है, आप गूगल में इंटेक सर्च करेंगे तो उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर जाके आप उसके उद्देश्य और क्या उसका संरचना है, किस प्रकार से बना है, क्या है, क्या करता है, कौन कौन से एरियाज में काम करता है, उसके बारे में आप जानकारी लें तो आपको इंटेक के 3 प्रश्न जो केवल एक वेबसाइट से तीनों के उत्तर मिल जाएंगे आपको, आप चाहेंगे तो। ये इस प्रकार से आप तैयारी करिए, गूगल की मदद लीजिए, अपने टीचर्स से आप मार्गदर्शन लीजिए, वो आपको और बताएंगे कि कैसे और अच्छे से आप कर सकते हैं। ये इस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो फिर से मैं नटशेल में आपको रिपीट करता हूँ बातों को कि जो 2 ग्रुप में अलग अलग हमारे रिटर्न क्यूज होगा, 1 4 बजे 1 4:30 बजे, इसका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, कितने बजे गूगल की, कितने बजे आपकी जूम की लिंक आपको शेयर की जाएगी आपको बताया जाएगा, हर ग्रुप में अलग अलग डलेगा। दूसरा 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, एक एक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे, कैसे आएंगे अभी आपको बताते हैं, प्रश्न का प्रारूप कैसा होगा ये आपको बताते हैं, और उनको आपको 10 मिनट में सॉल्व करना है। 11वें मिनट में आपको अपना उत्तर 11वें मिनट के अंदर भीतर ही आपको व्हाट्सएप कर देना है, जो नंबर उसमें दिया जाएगा, पूरी ईमानदारी के साथ करना है, माइक को म्यूट रखना है, वीडियो को ऑन रखना है, और तैयारी के लिए आप गूगल की मदद लीजिए, और भी तरह से आप मदद दे सकते हैं, जो जानकार लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जो जानते हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उस तरह से तैयारी कीजिए। और जो हम उसमें आते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को देखेंगे उसको आपको हम बताते हैं। तो अब ये स्क्रीन शेयर आपके लिए कर रहे हैं, ये देखिए आप पाएंगे कि जो हमारी हेरिटेज क्विज है वो हेरिटेज क्विज में 10 तारीख को इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। और ये जो एक नीचे बार दिख रही है आपको, ये बार से आप 30 सेकंड में अपने आप ही आगे बढ़ेगी। ये 30 सेकंड में खत्म हो जाएगी, तो ये एक स्लाइड ऐसे चलेगी, आपको एक स्लाइड नमूने के तौर पर बता रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चंस के फॉर्मेट आपको समझ में आएंगे। 10 तारीख को इस तरह से आपके सामने प्रश्न पत्र आएंगे, काफी समय होता है 30 सेकंड का, आपने पूरा पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, उसके बाद भी आपके पास टाइम है। ये देखिए पहला प्रश्न आ गया,
इंटेक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, इन विच सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेक इज लोकेटेड। लेकिन उस दिन कोई बोलेगा नहीं, आपको बस लिखित में पढ़ देखना है और लिखित में आंसर देना है। एक सेकंड है, फिर से शेयर कर रहे हैं। सर पर टीम पे आप तो अभी बातचीत नहीं होगी, अभी आप केवल अपना माइक म्यूट रखिए, जब आपको कहेंगे तब प्रश्न पूछना, प्रश्न नोट करके रखिए। अभी समझिए जो बता रहे हैं। ये 30 सेकंड हो गया, दूसरा प्रश्न आ गया, दुर्ग जिले के देव बड़ौदा मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है, विच गॉड इज वर्शिप इन द देव बड़ौदा टेम्पल ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। चार विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, सभी में आपको ए बी सी डी विकल्प देंगे, जो सही आंसर लगता है वो आपको ए है तो ए, पूरा जैसे हनुमान नहीं लिखना है या राम नहीं लिखना है, जैसे इस प्रश्न में शिव सही उत्तर है तो शिव का डी केवल लिखेंगे आप, शिव लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए वही क्वेश्चन फिर डाल दिए, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, ऐसी चार चार छह स्लाइड आपकी चलेंगी, देखते जाइए। आप यदि आपका आंसर इसमें सी है न्यू दिल्ली, तो केवल सी लिखना है, न्यू दिल्ली नहीं लिखना है उत्तर में, ए बी सी डी के नाम के जो लेटर्स है उसी में आपको उत्तर लिखना है। ये फिर देखिए प्रश्न बदल गया, फिर 30 सेकंड चलेगा ये प्रश्न। दो स्लाइड और ऐसी आएंगी, उसके बाद फिर आपको आंसर शीट कैसे भरना है वो दिखाएंगे। वो क्वेश्चन हुई है, क्वेश्चन हुई है। बस आपका ध्यान केंद्रित रहे स्लाइड पर, इस ये अभ्यास आप कर लीजिए। यदि आप प्रश्न, आप हिंदी माध्यम के तो हिंदी प्रश्न पढ़ रही है, जो अंग्रेजी माध्यम वाले इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर फॉर्म रहे, बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो अपने अपने प्रश्न पर केंद्रित होकर बिल्कुल शांत मन से उत्तर निकालिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। ये देखिए आंसर शीट आ गई है, ये आंसर शीट में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले ये आप इसको एक तो डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, और जो प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे वो हाथ से भी पेंसिल की सहायता से, स्केल की सहायता से ऐसा फॉर्मेट बना लें और प्रश्न क्रमांक वगैरह आदि लिख लें, जैसा ये बना है उसकी नकल आप अपने किसी एक पन्ने पर कर लें, और उसमें नाम सबसे पहले लिखना है आपका, जो नाम है एक सेकंड आपको बता दें। ये देखिए इसमें आपका कक्षा क्लास जो है वो आपको लिखनी है, और सर आपकी स्क्रीन नहीं देख रहे, अब एक मिनट इसकी में होगी सर। ठीक है, तो अब yes, आपको नाम लिखना है, अपनी कक्षा लिखनी है, क्लास स्कूल का नाम लिखेंगे, भिलाई में है तो भिलाई, दुर्ग में है तो दुर्ग, स्पष्ट लिखना है, नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे अंग्रेजी में, ताकि कोई गलती ना हो सर्टिफिकेट बनाने में। अब यहाँ पर देखिए एक में क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 20 तक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर मान लो आपका डी है तो डी लिखेंगे, डी में क्या उत्तर लिखा था वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल डी। दूसरे में मान लो सी सही है तो सी, तीसरे में मान लो ए सही है तो ए, चौथे में मान लो फिर बी सही है तो बी, पांचवे में ऐसे जो उत्तर आपके आते जाएंगे वो उत्तर आपको पेन से लिखने हैं, और अंत में नीचे आपका जो इस फॉर्मेट में नहीं दिखेगा लेकिन आपको जो फॉर्मेट भेजा है उसमें आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और दस्तखत करके इसे तत्काल बिना देरी किए स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में एक नंबर आएगा, उस नंबर पर यह नंबर है, ये देखिए लिखा है इसमें, आंसर शीट शुड बी पोस्टेड ऑन फॉलोइंग व्हाट्सएप नंबर विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आंसर शीट को भेजना है, 9425557551 ये नंबर है, आपको लिख के भी हम भेज रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा नंबर,
लेकिन अभी आप नोट कर लीजिए, इस पे ही आपको भेजना है, और किसी नंबर पर नहीं भेजना है, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर नहीं भेजना है, या आपके जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस ग्रुप में नहीं डालना है उत्तर को, केवल इसी पर आना चाहिए, इसी पे आपकी उपस्थिति लगेगी। ठीक है, अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, एक के बाद एक हैंड रेज कर दीजिएगा। सर, विल यू सेंड द आंसर शीट और विल फाइंड द आंसर शीट इन गूगल? नो, आई हैव सेंड द आंसर शीट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जस्ट यू डाउनलोड इट एंड गेट इट प्रिंटेड। ओके, एक्सक्यूज मी सर। ओके सर, वी हैव टू राइट। थैंक यू सर। एक जन बोलो। हां, yes sir, we have to write a capital letter in name, or we have to also write name of the school? Name of the school you can write in any way, but okay, your name should be in the capital letter, because we know the name of the school. If you write something wrong, there will not be any problem, but your name should be correct. Okay, okay sir, thank that you so in the capital letters. Excuse me sir. Yes, please. Sir, but for one team, how many answer sheets have to be sent? One or two? One. All 20 questions are there in that one answer sheet. So that means that the two students of one team have to sit together and give one answer. Every individual will send. That means I got your question. Sab log sun le. हर विद्यार्थी को जितने भी 10 के 10 है, हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को आंसर शीट भेजनी है। एवरी स्टूडेंट से फ्रॉम वन स्कूल 10 स्टूडेंट्स आर देयर, ऑल 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर होम। आप अपने घर से कर रहे होंगे ये, आपको अपने के साथ दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं बैठना है, आप अपना अपना करिए। Independently you can send. So every student has to send the answer sheet. Okay. Sir, please mute Devin. Sir, please mute Bhavesh Kumar. Your voice is not clear. Sir, will we get the link of question paper in Zoom app only? Yes, the Zoom. Yes. No, only Zoom. We will be using Zoom only. That day, YouTube will not be available. We will be using only Zoom, so you have to have Zoom app in your mobile. Okay. Sir, what is the resource for preparing for this competition? What is, again repeat your question. Sir, you have said one resource. Can you again tell me the resource for preparing the competition? Okay. See, there are many ways you can do that. One is that from your internet, if you search CBSC quiz which held last year, you can find question and answer also. So you can just see what kind of questions are asked in the quiz. That will help you. Another thing, there will be number of videos and information regarding heritage in India, heritage in Chhattisgarh, heritage in Durg district, like that. So from there you can get information. You want to know the local folk forms of different art and cultural heritage of Chhattisgarh, you can just write on your Google search. From the Google you will get so many YouTube and all that. You will get we have many folk artists, we have many folk artists in our Chhattisgarh which have been honored by government of India by the Padam Shri or Padam Bhushan, Padam Bhushan, and there are so many others may not be awarded, but they are still doing lot of work, and you can and they are just carrying out the old our ancient cultural traditions and bringing them to us. So that information you can get from the internet. Similarly, from the national heritage, you can just click what kind of heritage you are searching, natural heritage or cultural heritage, or you want to know the historical monuments of India, historical monuments in Chhattisgarh. So if you search like that in Google, you will get lot of information about the heritage. Okay.
Sir, I have doubt from DPS Dul. Please. Yes, sir. Sir, our students will be participating from school itself. Okay. So they will be in team. So the question is that again we have to send 10 or only 5? Not 10. 10. What will happen, madam? Yes, they will start discussing, they will lose the question. Okay, sir. And second so question. Anybody out of them can suppose. Yes, sir. Because you know, evaluation will be there, will be taking place per student. Every answer sheet will be valued, and we will be totaling the number of marks of a team. So on the basis of that, we will declare which team is winner or which team is runner. And sir, the next question is, when will be the final, sir? Final? Yes, sir, the same final, day. Final will be, we have to find out a date because there are festivals also. So it will not be the same day, sir? It will not be the same day, naturally not. It will be after 4 or 5 days. Okay, thank you, sir. We will inform you, sufficient time will be there for preparation. And the teams which will be declared as winner teams, eight winner teams, we'll talk to them also for preparing best so that they can win in the state level competition. We will help them. Excuse me, sir. Sir, this quiz is related to India, whole India, to Chhattisgarh only. मैंने बताया था बेटा, तुम लोग सुनते नहीं हो, यही मुश्किल है ना. मैंने क्या बताया था, 10 प्रश्न किससे आएंगे, इंडियन हेरिटेज से आएंगे. 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द नेशनल हेरिटेज, ऑल स्टेट्स विल बी देयर, एंड 7 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम छत्तीसगढ़ हेरिटेज, एंड 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इंटेक. आई हैव रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, यू डोंट लिसन सर. Good evening, sir. Sir, I have tried to access the website of Intact. So I get two websites that are Intact Telangana and Intact. National Intact. Okay, National Intact. I will do one thing. I will post the website address, website ID on your WhatsApp group. Okay, sir. ओके सर, थैंक यू सर. अगर हमारे टीम मेंबर का ऑप्शन हमारे हमसे मैच नहीं होता तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. देखो बेटा, दोनों के जो मार्क्स टोटल होंगे उससे मेरिट लिस्ट बनेगी टीम की. समझ में आया? ओके सर. तो आपका टीम के पार्टनर को भी अच्छे से तैयारी कराइए. सर, इन द केस ऑफ नेटवर्क इश्यू, इफ सपोज माय कैमरा गेट ऑफ फॉर फ्यू मिनट्स, I will be considered as disqualified. Yes. Any other question? और कोई किसी को doubt हो पूछो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. Sir, but we don't know our team members. फिर से बोलो. Yes, sir. Sir, we don't know our team members. You ask your teacher, your in charge teacher. She will tell you, or he will tell you. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, sir. Teacher, कभी इसकी sir, can you just बाद, इस after please tell meeting, just you called your teacher and asked in which group I am there and who is my partner. Your teacher will tell you. Sir, can you just please explain one more time how much time we will get for every question? I just lost 30 seconds for one question. Okay, sir. अभी आपको डेमो करके दिखाया था ना? हाँ सर, हाँ सर. वो कितने मिनट का, कितने सेकंड का था वो? 30 seconds. फिर हमारा एग्जाम दो ग्रुप में होगा तो कौन फर्स्ट ग्रुप में बैठेगा? बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही. सर, हमारा एग्जाम एक्चुअली में दो ग्रुप में होगा. आप जिस ग्रुप में, आपका अलग होगा, दो ग्रुप में नहीं होगा आपका. आप कौन से, कहाँ पर हैं, किस ग्रुप में हैं? नहीं मालूम है. हैं? वही नहीं मालूम है सर. नहीं, आपका ग्रुप किस ग्रुप में, आपको शामिल किया व्हाट्सएप ग्रुप में? सर बी. अरे आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं कि नहीं है? है. आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं कि नहीं है? नहीं सर, बट कौन से? तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऊपर देखिए क्या नाम आता है, इंटेक क्विज ए होगा या बी होगा. ए होगा तो ए ग्रुप है, बी होगा तो बी ग्रुप है.
कहाँ है आपका स्कूल, कहाँ है? सर गवर्नमेंट आदर्श स्कूल, मैं एक्चुअली अभी जगह का नाम बताओ, भिलाई दुर्ग रायपुर बम्बई कहाँ है? दुर्ग। दुर्ग, तो वो आपका ग्रुप ए है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको सब बातें स्पष्ट की है सब बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है, खूब अच्छे से मेहनत करो, सबको बहुत शुभकामनाएं, सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, खूब उत्साही बच्चे हैं ना। थैंक यू सर। उम्मीद है कि सब लोग अच्छा स्कोर करेंगे और आपको अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए बताता हूँ पिछले 2 सालों से छत्तीसगढ़ हमारे भिलाई के बच्चे नेशनल लेवल पर आ रहे हैं, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो पेंटिंग कॉन्टेस्ट हो, चाहे वो ऐसे कॉम्पिटिशन हो, इसमें हमारे बच्चे आगे रहे हैं, फर्स्ट 10 में आए हैं या रीजनल विनर्स में आए हैं और उनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ है। जो पिछले बार फर्स्ट 10 में आई थी 2 साल पहले बच्ची जीपीएस की थी, उसको तो अहमदाबाद उसके टीचर के साथ बुलाया, वहां पर उनका उनको पूरी साइट विजिट कराई, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, बड़े खुश होकर वो लोग लौटे थे। तो अच्छा काम करोगे आपकी बहुत सराहना होगी, मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए, ज्ञान भी मिलेगा और हो सकता है कुछ लोगों को आगे चांस मिल जाएगा अच्छा दिखाने का, कौशल दिखाने का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर हमें पीडीएफ बना के भेजना है हमारी आंसर शीट का। ओके सर, थैंक यू सर। सर वी हैव टू सेंड अ पीडीएफ इन क्विज, तो एक बोलो। बोलो बेटा बोलो। सर वी पीडीएफ में भेजना है, पीडीएफ में स्कैन करके पीडीएफ बनाएंगे। सर सर वी हैव टू सेंड इन क्विज ग्रुप ए और एनी अदर नंबर। आपको अभी नंबर दिखाया था ना, आपको दिखाया था नंबर, देखा था? यस सर। आपको दिखाया था ना क्या नंबर दिखाया था? सर स्क्रीनशॉट इज देयर, आई विल सी इट। हाँ, उसको वही नंबर आपके ग्रुप में और डाल देंगे। ठीक है, ओके सर। आपको ग्रुप में आंसर शीट नहीं भेजनी है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको जो नंबर दिया गया है, आप यहाँ को व्हाट्सएप से आपको भेज रहे हैं वो नंबर, उस व्हाट्सएप पर ही भेजेंगे आप अपनी आंसर शीट, और एक मिनट के अंदर भेजना है। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। ठीक, और तो मैं समझता हूँ सब बातें होती हैं। सर इफ अवर पार्टनर विल आल्सो, अगर हमारे पार्टनर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे तो क्या हम भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाओगे, वही होगा। टीम बनी है, स्कूल से टीम बनी है ना, क्योंकि आपके पार्टनर के नंबर तो जुड़ नहीं पाएंगे ना उसमें, इसलिए पार्टनर को भी समझा के रखो कि ठीक से अपने को काम करना है। ठीक है ये, ओके सर, थैंक यू। ओके, सबको बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और मैं टीचर्स का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, वो भी हमारे साथ शामिल हुए हैं और बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। मैं सारे स्कूलों का जिन्होंने अपने पार्टिसिपेशन भेजा है उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ में डॉक्टर अनिल चौबे जी हैं जो एमजे कॉलेज के प्राचार्य हैं, वो मेरे साथ में हैं, इस क्विज के संयोजन में मदद कर रहे हैं, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। और प्रोफेसर दीपक दास जो संडे टाइम्स के एडिटर हैं, वो भी मेरे साथ में हैं, वो भी इस क्विज में हमें मदद कर रहे हैं, मैं उनका ही प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी हम इन दोनों का साथ देते हुए क्विज को अच्छी तरह संचालित करेंगे। थैंक यू, सब बच्चों को बहुत धन्यवाद।